वेलकम टू अमन फिटनेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनसीसी के सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 100 मीटर रनिंग होती है कि पुशअप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। पहले तो वो लोग आपको डेट देंगे, एक डेट पे सिलेक्शन का ट्रायल किस दिन है उस दिन डेट बताया जाएगा। तो आपको उस ग्राउंड पे और वहाँ पर बटालियन पे पहुँचना पड़ेगा। फिर उस बटालियन पे आपका फैकल्टी या फिर कॉलेज में किस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका पूरा डिटेल लिया जाएगा। फिर वहाँ पर कम से कम 1-2 घंटे आपको वहीं पर खड़ा करके पूरा डिटेल लिया जाता है। फिर आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही आपका 1600 मीटर या फिर 1200 मीटर का सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें 10, 20 या 15 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, फिर उनको नेक्स्ट स्टेप का अलग ट्रायल लिया जाता है, जो है कि पुशअप्स का। 30 पुशअप्स मैक्सिमम कराए जाते हैं। अगर आप 20 प्लस कर देते हैं तो शायद सेलेक्ट हो जाते हैं। 20 मिनिमम होता है, मैक्सिमम 30 करना ही पड़ेगा अगर आपको एक ए प्लस एडवांटेज में रहना है तो। फिर उसके बाद आपको जो पुशअप्स क्लियर कर लेते हैं उनको फिर क्रंचेस कराया जाता है। क्रंचेस भी आपका वही पुशअप की तरह ही है। 20 प्लस मिनिमम हो जाता है, 30 प्लस मैक्सिमम। 30 अगर वही आप करते हैं तो आप ए प्लस एडवांटेज में रहेंगे और 20 प्लस में मिनिमम एडवांटेज में रहेंगे। तो वो लोग आपको ग्राउंड पे बैठाएंगे, फिर वो लोग ये सर्टिफिकेट किस किस के पास है वो सब कुछ डिटेल्स लेंगे और स्पोर्ट के सर्टिफिकेट किस किस के पास है वो सारी डिटेल्स लेंगे। फिर उनको एक ग्रुप में कर देंगे, फिर उनकी रनिंग कराई जाएगी। रनिंग कुछ 1600 मीटर या फिर 1200 मीटर की होगी। आपका जो एथलीट ट्रैक होगा वहाँ पर कम से कम 3 या 4 राउंड मराया जाएगा आपको। उसमें से टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 20 को ले सकती है, जितनी वैकेंसी है उस बटालियन में उतने लोगों को लिया जाएगा। जैसे ही आप लोग ये तीनों एक्सरसाइज या फिर सेलेक्शन ट्रायल्स ख़त्म कर लेते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पर फिर 1-2 घंटे के लिए बैठाया जाएगा, जहाँ पर वो दूसरे ग्रुप्स का ट्रायल लिया जाएगा। फिर कहीं कहीं बटालियन में इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जहाँ पर जीके के करंट अफेयर्स पूछते हैं थोड़े बहुत, ताकि क्या बच्चे के अंदर जनरल नॉलेज है कि नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, अगर आपकी बटालियन में जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके ऊपर वो लोग ले लेते हैं। वैकेंसीज अक्सर ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन एनसीसी में क्या होता है, ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा होता है, सी सर्टिफिकेट बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, छोड़िएगा मत। तो ये सब इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको एनसीसी का ग्रुप बहुत सारे बनते हैं, वहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा आपको, जहाँ पर आपका एनरोलमेंट किया जाएगा उसमें आपको सारी डिटेल्स चाहिए। अगर आपको फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी डिटेल चाहिए तो कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।